दोस्तों, एक गोबरेला जीव होता है जो सुबह उठते ही अपनी यात्रा पर निकल जाता है, अर्थात ताजे गोबर की तलाश में निकल जाता है। और वो जो गोबर है उसका गोल गोल पिंडल बनाने में लग जाता है, और उसको धकेलता हुआ वो अपने बिल के पास में लेके आता है। बिल के पास लेके आने पे उसको मालूम चलता है कि इसका आकार तो बहुत बड़ा है। तो वो क्या करता है, उस आकार को, बिल के आकार को बड़ा करेगा, या जो लड्डू है उसके आकार को छोटा करने में लग जाता है। लेकिन समय उसके पास में निश्चित होता है, इसलिए वो उस काम को पूरा कर नहीं पाता, और अंततः वो उस गोबरेला को छोड़ के अपने बिल में चला जाता है। केवल वो उसको देख सकता है, साथ लेके नहीं जा सकता। उसी प्रकार से इंसान है, जीवन भर कार्य करता है, माया जोड़ता है, और इसी माया जोड़ने जोड़ने में उसका समय है वो समाप्त हो जाता है, और अंततः उसको क्या, उस माया को छोड़ के जाना पड़ता है। केवल उसको वो देख सकता है, साथ लेके नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गोबरेला है उसकी चाल, हे इंसान तू मत चल। ठीक है, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक कर्म है, उसको पहचानिए, ना कि एक लक्ष्य में इतना विलीन हो जाइए कि आपको उसके सिवा और कुछ दिखाई न दे। इस संसार में माया अर्जित करने का लक्ष्य हमारा नहीं है। जरा सोचिए, इस संसार में हम इसलिए तो नहीं आए ने कि जन्म ले लिया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, शादी वादी उनकी कर दी, खाया पिया और मर गए। क्या यही कार्य करने के लिए आए हैं? सोचोगे, जवाब मिल जाएगा, क्योंकि गोबरेला की चाल हमें नहीं चलनी है। उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद।